Hello everyone, this is Karthus Sagar, and in this video I am going to discuss about drafting symbols, basically for the machining symbols. So let's start. So first of all, you can see that this is the surface finish symbol, here, and as we know that any product is manufactured by different manufacturing process like casting, forging or molding operations. So the surfaces are not smooth, and we have to use machining process like turning process or drilling or grinding process to make the surface smooth. तो जो भी production हुआ है, हमारा manufacture हुआ है, उसको surface finish provide करने के लिए हम manufacturing process, machining process का इस्तेमाल करते हैं. So in the end, the basic purpose is to provide a good surface finish to the component and provide a good surface texture. So for this we are using this symbol. You can see over here that this is triangle is shown, and there is, you can see this is a direction of lay, which means this surface and this plate has different directions. So we can use that direction for machining. कि कौन सी direction का इस्तेमाल करके machining process कर रहे हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, you can see the surface value or grade, which shows that we have to provide a surface roughness value or a grade, which means that it provides a tolerance. कि हमें सरफेस कितनी स्मूथ चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर ग्रेड डालेंगे. नाउ वो हो सकता है यहाँ से N0 N1 से लेके N12 तक, और वी कैन यूज़ ट्रायंगल ओवर हियर, यानी तीन ट्रायंगल चार ट्रायंगल, उसके हिसाब से जो ग्रेड कितना चाहिए रफनेस का वो डिसाइड होता है. ठीक है, या फिर आप नंबर्स डाल सकते हैं, या फिर सिम्बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वैल्यू लिख सकते हैं कि आपको 63 माइक्रोन से लेकर 53 माइक्रोन के बीच में चाहिए, तो आपको वैल्यू रखना होता है. The next is our machining method. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की जाती है. यहाँ पे machining methods यानी milling machine से कर रहे ऑपरेशन machining process, या grinding से यूज़ कर रहे हैं तो वो हम additionally value डालेंगे, या treatment को यूज़ कर रहे हैं तो वो लिखेंगे. यहाँ पे sample की length लिखेंगे कि कितनी length का हमें process करना है sample पे. फॉर एग्जाम एंड वन मोर थिंग दैट इज रफनेस वैल्यू अदर देन दिस, यानी हमारी ग्रेड वैल्यू उसके बाद वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी. दैन दिस इज अ मशीनिंग अलाउंस, यानी मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पर कितना अलाउंस दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग अ ग्राइंडिंग, दैन फॉर हाउ मैनी माइक्रोन्स वी आर प्रोवाइडिंग दैट मशीनिंग ऑपरेशन अलाउंस. So for that we are using this symbol. So this symbol is basically shows that how surface finish has to be maintained on a particular surface. ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि सरफेस सिंबल से कि सरफेस कितनी फिनिश करनी है, उसका टेक्सचर कैसा रहेगा, तो उस हिसाब से हम ये यहाँ पे सिंबल्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, और यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू मेंशन करनी है जिससे पता चल जाएगा कि ड्रॉ कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का एक सिंबल बना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरफेस है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर में एक प्रोसेस करनी है, जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो कौन सी प्रोसेस करनी है, तो यहाँ पे मिलिंग प्रोसेस करनी है. लैम्प सैम्पल की साइज़ जो है 25 है, 0.25. रफनेस वैल्यू 0.5 माइक्रोन्स है, यानी उतना रफनेस चलेगा, तो इसके लिए उसी हिसाब से हमें मिलिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं 12.5 माइक्रोन्स के लिए. और मशीनिंग अलाउंस हमें 5 माइक्रोन दिया है, यानी उतना हमें अलाउ किया गया है. So these are the basic information which are provided on any drawing, so we can understand the drawing as a engineer. One more thing, that as a engineer or designer we must have knowledge of this thing, because हमें हमारे पास जो drawing आता है तो उसको समझ कर उसमें से हमें production करना होता है. तो यहाँ पर आपको अगर surface finish का knowledge नहीं होगा, then we cannot create the perfect component. तो यहाँ पर सारी जो जिम्मेदारी रहती है वो engineer या designer की रहती है. That is why this is important thing. Next, now surface finish characteristic. तो उसकी बात करें तो आपको यहाँ पे चार अलग अलग फिगर्स दिख रही है. यहाँ पे पहली जो है वो नॉर्मल फेस है,
जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो टॉप का पार्ट है वो स्ट्रेट है, उसके इसके अंदर जो है वो थोड़ा रफ सरफेस है, दिस इज शोइंग रफनेस। एंड इफ़ वी आर गोइंग फॉर अ वेविनेस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेविनेस में आपको वेव्स जैसे दिखते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड वेविनेस। एंड लास्ट जो है वो रफनेस और वेविनेस का कंबाइन इफेक्ट है। ओके सो दिस इज़ रफनेस, यू कैन सी रफनेस में देखो आपको बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा होगा सरफेस पे। वेविनेस में आपको थोड़ा सा स्मूथ मगर वेव जैसा ऊपर का सरफेस मिलता है, दोनों का इफेक्ट यहाँ पे मिला हुआ है। नाउ व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू सी एनी सरफेस एज वी डू, वी आर डूइंग अ मशीनिंग प्रोसेस। सो इफ़ यू सी दैट वाइल क्रिएटिंग एनी थिंग लाइक मशीन, मेकिंग अ कंपोनेंट इन अ फोर्जिंग और कास्टिंग प्रोसेस, तो आप अगर कास्टिंग या फोर्जिंग प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें हम कोई मशीनिंग प्रोसेस नहीं कर रहे, तो वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, कंपोनेंट बन के निकल के आ रहा है। नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मशीनिंग, सो द सर्फेस इज़ नॉट स्मूथ। यहाँ पे हमारी मशीन जो कास्टिंग्स निकला हुआ प्रोडक्ट है उसकी सर्फेस स्मूथ नहीं है, मगर हमें अगर चाहिए देन वी आर गोइंग फॉर अ मशीनिंग प्रोसेस, तो उस पर हम लेथ मशीन से या ग्राइंडर से प्रोसेस करेंगे या मिलिंग मशीन से प्रोसेस करेंगे, जिससे वो सर्फेस स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर डूइंग मेटल कटिंग प्रोसेस, यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको जो सरफेस फिनिश चाहिए उस हिसाब से आपको प्रोसेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो सारे जितने भी प्रोसेस है उसका सबका एक रफनेस का वैल्यू होता है। नाउ व्हाट इज़ रफनेस, दैट इट इज़ फाइनली शेप्ड इरेगुलरिटी इन द फॉर्म ऑफ पिक्स एंड वैली, यानी आपको ऊपर नीचे खाबड़ खुबड़ देखने को मिलेगी। नाउ वेविनेस इज इरेगुलरिटी है बट इट्स लॉन्गर सर्फेस एप्शन, एंड वेरिएशन जो होता है वो थोड़ा लंबे समय पे होता है, सो दिस इज़ नॉट लाइक क्विक चेंज इन द सर्फेस फिनिश। देन वॉट इज़ ले, सो ले की बात करें तो ले इज़ समथिंग डैट इफ़ यू आर टेकिंग वन ऑब्जेक्ट एंड इफ़ यू आर कटिंग लाइक दिस, देन दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ले, वी कैन कट लाइक दिस टू। सो आपको कटिंग कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं उससे पता चलता है कि उसका जो ले है वो कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो फ्लॉज है, फ्लॉज क्या है कि आप फ्लॉज की बात करें तो दैट इज़ व्हेन वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मशीनिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे मशीनिंग प्रोसेस के वजह से इरेगुलरिटी रह जाती है, स्लॉट जैसे रह जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल फ्लॉज। तो यहाँ पे हमारा कटिंग करने की वजह से वहाँ पे एक फ्लॉज रह जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दिस इज सिंबल फॉर इंडिकेटिंग सरफेस फिनिश। ठीक है, आप कोई भी मशीनिंग ड्राइंग देखोगे तो उसके अंदर आपको सरफेस फिनिश का सिंबल इंडिकेट किया होगा, जिससे पता चलेगा कि कैसे हमें मशीनिंग प्रोसेस करना है और कितना सरफेस फिनिश प्रोवाइड करना है। नाउ देर इज़ थ्री काइंड ऑफ सिम्बॉल्स, फर्स्ट वन इज़ दिस, यू कैन सी ओवर हियर फर्स्ट वन। सो यहाँ पे आपको दिख रहा ऊपर का जो है ओपन काइंड ऑफ दिस है, तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री लिखा हुआ दिख रहा है। सो बेसिकली दिस इज़ द मेथड हाउ वी इंडिकेट द सिंबल, और यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि द लेफ्ट ओपन इंडिकेट्स एनी प्रोडक्शन मेथड, यानी इसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं अदर देन मशीनिंग, यानी आपको सिर्फ मशीनिंग मेथड नहीं यूज़ करना है। सो यू कैन यूज़ कास्टिंग प्रोसेस और फोर्जिंग प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग दिस सरफेस। सो जहाँ पे भी ये सिंबल इंडिकेट किया होगा ओपन एरो काइंड, तो आपको वहाँ पे प्रोडक्शन कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो मगर मशीनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन इफ़ यू चेंज द सिंबल फ्रॉम दिस टू दिस, यानी ट्रायंगल में ऊपर का बार अगर ऐड हो जाता है, देन दिस विल इंडिकेट दैट वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली मशीनिंग प्रोसेस, यानी यहाँ पे मटेरियल रिमूव होने वाला है। वी आर यूजिंग टर्निंग प्रोसेस, मिलिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस, जहाँ पे मेटल कटिंग होता है और मटेरियल रिमूव होता है। सो फॉर द इक्वालेटरल ट्राइंगल वी आर यूजिंग मशीनिंग प्रोसेस, तो आपको जहाँ पे भी ये सरफेस पे दिखे वहाँ पे आपको ये मेथड यूज़ करना है मशीनिंग। और थर्ड सिंबल है जिसमें आपको ओपन एरो के अंदर आपको गोल्स दिख रहा है सर्कल इंडिकेटिंग डैट नो मटेरियल रिमूव, यानी यहाँ पे आपको मटेरियल रिमूव नहीं होना चाहिए, उस तरह से आपको मेथड सिलेक्ट करना है। सो इन दिस प्रोसेस जो भी हमारी पिछली प्रोसेस में जो भी सरफेस आई हुई है वही सरफेस रहेगी, हम और कोई प्रोसेस नहीं कर रहे, यानी मशीनिंग प्रोसेस नहीं कर रहे। ठीक है, सो दिस आर द थ्री डिफरेंट सिंबल्स विच आर यूज ऑन एनी ड्राइंग पेपर, सो वी द
प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन इंजीनियर कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दे हैव टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिस इज द सरफेस फिनिश सिंबल। नाउ दिस शोइंग द ले मतलब कहाँ पे हमें किस तरह से प्रोसेस करना है वो दिखा रहा है। ठीक है, आपको पहला पहला जो ड्राइंग दिख रहा है देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये सिंबल बनाया गया है इक्वल टू जैसा। ठीक है, दैट इज शोइंग दैट इट हैज़ टू बी पैरेलल टू द सरफेस, यानी हमारी जो यहाँ पे इंडिकेटिंग सरफेस है उसको पैरेलली यहाँ पे प्रोसेस करना है, तो ये डायरेक्शन में प्रोसेस करेंगे। नाउ इफ वी आर शोइंग द परपेंडिकुलरिटी देन वी हैव टू डू इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी उसको 90 डिग्री पे हमें प्रोसेस करना है। फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग यूज़ कर सकते हैं फॉर द लीनियर कटिंग प्रोसेस। नाउ इफ़ यू सी क्रॉस सिंबल देन वी हैव टू क्रॉस इन दिस काइंड क्रॉस डायरेक्शन, एंगुलर डायरेक्शन में। तो यू कैन सी होनिंग प्रोसेस इन विच वी आर डूइंग द क्रॉस कटिंग प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे होनिंग प्रोसेस करना है अगर इस तरह सा सिंबल दिखा जाए सरफेस को। देन एम इंडिकेट दैट मल्टी डायरेक्शनल, यानी आप मल्टी डायरेक्शन में कटिंग कर सकते हैं, यानी आप पहले यू डायरेक्शन में कटिंग करो, फिर वर्टिकली करो, फिर क्रॉस करो, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। तो आप मल्टी डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन से कट कर सकते हो, तो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन मैनेजर। देन सी इंडिकेट सर्कुलरिटी, इफ़ यू सी सेंटरिंग प्रोसेस इन टर्निंग, आपने साफ लिया है और उसमें आप सेंटरिंग कर रहे हो साफ्ट का साइड पार्ट, तो उसके अंदर आप अगर प्रोसेस करोगे तो आपको इस तरह की सरफेस कटिंग होने वाली है। तो वहाँ पे आपको सर्कुलर सरफेस कटिंग होने वाली है, यानी आप सी सिंबल इंडिकेट करोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आर इज़ अ रेशनल, यानी आप किसी भी डायरेक्शन में आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, रेडियली डायरेक्शन में आप कटिंग कर सकते हो, तो आपके पास फ्रीडम है कट करने के लिए यहाँ पर। देन एंड लास्ट इज P3, दैट इज़ प्रोट्यूबेंट, तो इसके अंदर आप कटिंग प्रोसेस ना करते हुए कास्टिंग से प्रोड्यूस करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट ले सिंबल्स, जिससे पता चलता है कि कटिंग कौन सी डायरेक्शन में करनी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दिस इज़ अ सिंबल। नाउ दिस इज़ वन कंपोनेंट ऑन विच दे हैव शोन द रफनेस सिंबल, यानी आपको कहाँ कहाँ कटिंग करना है वो आपको बता दिखाया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले तो ऑल सर्फेसिस, और 250 जो सिंबल दिखाया है दैट इज़ 250 माइक्रोन्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कुछ लिखा नहीं तो आपको इतना माइक्रोन की सरफेस जो है फिनिश देना है, यानी रफनेस सिंबल हमें दिया हुआ है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे नहीं स्पेसिफाइड किया है, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो यहाँ और यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू लेना है 250 माइक्रोन का हमें सरफेस फिनिश चाहिए ये पार्ट में। यहाँ पे ओपन दिखाया गया है, यानी वी हैव टू क्रिएट अ ड्राइंग प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सिर्फ मशीनिंग को छोड़ के कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको ओपन दिया है, यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू दिया है 125 माइक्रोन का है ना बनाना। यहाँ पे आपको रेंज मिला है 63 से 32 के बीच के अंदर आपको सरफेस फिनिश देना है। ठीक है, यहाँ पे 63 ओपन है, यानी आपको कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, एनी प्रोडक्शन मेथड अदर देन मशीनिंग। ठीक है, और ये ट्रायंगल बनाया है, यानी यहाँ पे हमें बताया गया है कि वी हैव टू प्रोवाइड सरफेस फिनिश, तो यहाँ पे कटिंग प्रोसेस होने वाला है। तो आपको दिख रहा है वो किसके लिए बनाया है, यहाँ पे होल है, स्लॉट बनाया गया है, तो यहाँ पे होल करना है तो आपको ड्रिलिंग या स्लॉटिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फॉर डैट वी हैव टू डू मशीनिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे उन्होंने ट्रायंगल दिखाया है, बाकी जितनी भी प्रोसेस है उसमें ट्रायंगल नहीं, यानी दे हैव टू यूज़ प्रोडक्शन मैटर। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस डैट वी आर प्रोवाइडिंग रफनेस सिंबल। सो फ़ायदा क्या क्या होगा कि कौन सी मेथड से करना है, कितनी सरफेस फिनिश चाहिए, कौन से डायरेक्शन में कटिंग करनी है, वो हमें पता चल जाएगा डिज़ाइनर से, जिससे हम इजीली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। सो दिस इज़ मशीनिंग सिंबल्स, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, थैंक यू।